फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है लॉन्ग एंड शॉर्ट। और इस वीडियो में हम हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल टॉपिक जानने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, यानी कि एक मोमून नाम का लड़का है, तो उसका जो घर है वो स्कूल से बहुत दूर है। He first walk about 400 meter to the pond. और पॉन्ड के पास कितना चलता है? 400 meter वो चलता है। With slippers in hand. और उसके जो shoes होते हैं, जो जूते होते हैं, जब वो पॉन्ड के पास आता है तो अपने हाथ में ले लेता है। He then walk 150 meter through the pond. और फिर वो पॉन्ड के बात जान के पॉन्ड में वो कितना चल लेता है? 150 मीटर वो चल लेता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। फिर वो जो ग्रीन फील्ड के पास आता है तो वो 350 मीटर चल लेता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। और वो स्कूल पहुंचने के लिए ध्यान से चलता है, मतलब रोड पे ध्यान से वो चलता है, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए। और कितना चल लेता है वो पे? 40 मीटर। और वो रोड पे चल लेता है तो टोटल कितना चल लेता है? तो इसको ऐड करके देखते हैं तो कितना चलता है। पहले वो चलता है 400 मीटर, तो पहले हम 400 मीटर लिख लेंगे। फिर वो 150 मीटर चलता है, तो फिर हम 150 मीटर जो है लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम वो कितना चलता है? फिर वो 350 मीटर चलता है, तो 350 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद फिर वो कितना चलता है? फिर वो 40 मीटर और चलता है, तो हम 40 मीटर लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 5 और 5 10, और 4 कितना होता है? 10 4 होता है 14, तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा और एक कैरी यहाँ पे हो जाएगा। फिर 4 1 कितना होता है? 4 1 होता है 5, और 5 3 कितना होता है? 5, और फिर 6 7 8 होता है, ठीक है, तो 8 और 9 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी था। कैरी तो कितना चल लेता है टोटल? तो चल लेता है 940 मीटर वो चल लेता है टोटल, जो मोमून है। फिर हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, मतलब जो मोमून है वो हमेशा कितना चल लेता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 940 मीटर, ठीक है। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या वो 1 किलोमीटर से ज्यादा चलता है? फिर वो अमोंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, यानी कि पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके बुक में एक दिया गया है फ्रेंड्स नेम, और कितना दूर है स्कूल वो आपको उसमें लिख लेना है। फ्रेंड्स नेम में आपको फ्रेंड्स का नाम लिखना है, और कितना दूर जो है उनका घर है स्कूल से वो आपको उसमें लिख लेना है। फिर वो अमोंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, यानी कि कौन जो है आपका फ्रेंड में कौन जो है वो बहुत पास है स्कूल से, यानी कि उसका जो घर है वो स्कूल से पास में है। वो लिव्स फारेस्ट फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से बहुत दूर कौन रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, और कौन जो मतलब कौन बच्चे हैं जो कि स्कूल से 1 किलोमीटर से कम ही रहते हैं दूर पे, यानी कि 1 किलोमीटर से दूर पे रहते हैं स्कूल से, तो हमसे पूछा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है गेस एंड फाइंड आउट, तो हम इसको भी जान लेते हैं। है हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील, यानी कि जो रील होता है कुछ इस तरीके से, जो रील होता है ये, तो जो इसमें धागा होता है वो कितना लंबा होता है इस रील में। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि जो स्ट्रिंग होता है काइट का तो वो क्या 1 किलोमीटर से कितना वो ज्यादा होता है? इफ अ हैंड कट
हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, यानी कि जो हैंडकरचीफ होता है, जो रुमाल होता है, वो एक सिंगल धागा से बनता है। हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, तो कितने जो है धागा से बनता है, कितना धागा उसमें चाहिए होगा उस रुमाल को बनाने में। तो यही था आज का हम लोग का वीडियो। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।